नेशनलिज्म इन इंडो चाइना यानी हिंद चीन में राष्ट्रीयता के इस चैप्टर में आपका स्वागत है। वैसे तो ये इलाका दुनिया के नक्शा में चीन से दक्षिण और भारत के पूरब में स्थित है और इसी वजह से इसे इंडो चाइना भी कहते हैं। इसमें तीन देश आते हैं, वियतनाम, लाओ और कंबोडिया। लेकिन इसमें वियतनाम को एक इम्पोर्टेंट स्थान इसलिए हासिल है कि ये समुद्र के किनारे था। क्या वजह थी कि फ्रांसीसियों ने पुर्तगीजियों को भगाकर इसको कब्जा किया? जी हाँ, यहाँ पर मैरीटाइम सिल्क रूट के नक्शा में ये देश था। रेशमी रास्ता का वियतनाम भी एक हिस्सा था, जिस रास्ते से चाइना के सिल्क पूरी दुनिया में भेजे जाते थे और यहीं पर फाइफो पोर्ट भी था जहां पर जहाज़ें रुका करती थी। इसलिए फ्रांसीसियों ने सोचा कि क्यों ना इसी को कब्जा कर लिया जाए। अब फ्रांसीसियों ने इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 1858 में यहाँ आक्रमण कर दिया और फ्रांसीसियों ने पुर्तगीजियों को भगा दिया और वहाँ के जो राजा थे उसको हरा दिया। लेकिन फ्रांसीसियों ने कब्जा तो कर लिया, लेकिन वहाँ पर कल्चर के तौर पर चाइनीज़ कल्चर चलती थी और धर्म के हिसाब से कन्फ्यूशियज्म और बुद्धिज्म हावी थी। फ्रिंज के आने के बाद में क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा मिलने लगी, जिसके वजह से 1868 में स्कॉलर रिवॉल्ट हुआ, जिसमें वहाँ के दरबारी लोग भी शामिल थे और वहाँ के बुद्धिजीवी लोग भी शामिल थे। लेकिन इस रिवॉल्ट को फ्रांसीसियों ने दबा दिया और 1880 आते आते फ्रांस ने इन इलाकों पर मुकम्मल अपना कंट्रोल कर लिया और 1887 में फ्रांसीसियों ने कोचिन चाइना, अनाम, टोंकिन और कंबोडिया को मिलाकर इंडो चाइना का गठन कर दिया और बाद में लाओ को भी मिला दिया। इसके बाद वियतनाम के मेकोंग डेल्टा में फ्रांसीसियों ने खेती को बढ़ावा देना शुरू किया। चाय की खेती शुरू हुई, रबर की खेती शुरू हो गई और चावल की भी खेती वहाँ चालू हो गई। कैनल्स, रोड वगैरह भी बनने शुरू हो गए। उन लोगों ने हनोई शहर को मॉडर्न शहर बनाना शुरू किया और उसमें नाले, पाइप वगैरह बिछाने शुरू हुए। लेकिन ये काम करते करते अचानक एक ऐसा वाकया आया और 1902 में हनोई में चूहों की ज़्यादती से प्लेग फैल गया। चूहों से बचने के लिए 1902 में रैट हंट शुरू किया गया। इसमें फ्रांसीसियों ने एक प्लान रचा। उन्होंने कहा कि ठीक है, वियतनामी अगर चूहा पकड़ के लाएंगे तो उन्हें इनाम दिया गया। वियतनामी भी चालाक थे, उन लोगों ने चूहा जो इनाम देना था चूहे पर उसे दुम काट करके लाना था और दिखाना था, उस पर इनाम मिल जाता था। तो कुछ दिन तो वो ईमानदारी से करते लेकिन फिर उन्हें अकल आई और उन्होंने चूहे को बढ़ावा देना चालू किया। दुम काट देते, फिर चूहे को छोड़ देते, चूहे की दुम फिर बढ़ाती और उस पर इनाम मिल जाता। इस तरह से फ्रांसीसियों का खजाना खाली होना चालू हो गया और फ्रांसीसियों ने जब इसको देखा सही से, बुझा सही से, तो इनाम देना बंद कर दिया। अब इसके बाद में फ्रांसीसी तो फ्रेंच भाषा जानते थे लेकिन वहाँ तो चाइनीज़ भाषा चल रही थी। अब दोनों के बीच में एक लैंग्वेज गैप था, तो उन्होंने सोचा कि अब ये कैसे करके होगा कि हमारी बात वो नहीं समझ पा रहे, हम उसकी बात नहीं समझ पा रहे। तो उन्होंने एक टोंकिन फ्री स्कूल 1907 में कायम किया कि उनका मकसद ये रहा कि पढ़ाया तो जाए लेकिन उसी हद तक पढ़ाया जाए जिससे कि कुछ काम चल जाए।
और ज़्यादा ना पढ़ाया जाए, लेकिन पढ़ाया जाए ताकि वो भाषा को समझ पाए। इसी समय फान बोईचाओ के द्वारा एक किताब लिखी जाती है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। इसे याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है, जिसने लोगों के मिजाज को बदलना शुरू किया। इनके दिमाग में फ्रांसीसियों के खिलाफ नफरत उभरने लगी। और उसके बाद और एक अहम घटना हुई, 1911 में सनयाट सेन ने चाइना में राजा का तख्ता पलट दिया, क्योंकि राजा भी वियतनाम में इंटरेस्ट लेते थे। अब वियतनाम जो है चाइना से कंट्रोल से टोटल चला गया और फ्रांसीसी के कंट्रोल में टोटल आ चुका था। फ्रांसीसियों ने सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन वहाँ देनी शुरू की और एजुकेशन धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। चूँकि एजुकेशन वो देते थे तो, लेकिन पढ़ाई ख़त्म होने के बाद, यानी जिसे हम मैट्रिक यहाँ कहते थे, वहाँ स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद में उन्हें सर्टिफिकेट वगैरह तक आने नहीं दिया जाता था कि वो नौकरी हासिल करे। इस तरह से धीरे धीरे बुद्धिजीवी तबका अपने बच्चे को जापान भेजने लगे। लेकिन इसी कड़ी में, लेकिन हर इनकलाब के पीछे एक चिंगारी काफ़ी होती है, तो वो ये थी कि साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल में 1926 में यहाँ एक वियतनामीज को स्कूल में अपने क्लास के फर्स्ट बेंच में बैठने नहीं दिया गया। अब जब वो लड़की कंप्लेन करने प्रिंसिपल के यहाँ गई तो उसे ही स्कूल से बाहर कर दिया गया। और फिर क्या था कि जब उसे बाहर कर दिया गया तो फ्रांस में एक इनकलाब उभर के आ गया। फ्रांसीसियों वियतनाम में जो इनकलाब आया फ्रांसीसियों के ख़िलाफ़ में, और सब लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए। इसके बाद देखते देखते 1930 में और एक भूचाल आया, वो था ग्रेट डिप्रेशन। पूरी दुनिया में छा गया, चीज़ों की कीमत घटने लग गई, लोग भूखे मरने लगे। यहाँ दो इलाके नगियन और हाटिन, जिन्हें यहाँ के इलेक्ट्रिकल फ्यूज ऑफ वियतनाम कहा जाता था, इस जगह से हर पूरा वियतनाम तो सरसब्ज जो शादाब था, लेकिन यहाँ के लोगों को मजदूरी नहीं मिलती थी। तो ये याद रहे कि ये दो इलाके नगियन और हाटिन इलेक्ट्रिकल फ्यूज ऑफ वियतनाम कहलाते हैं। और इसी करीब में होची मिन ने अपने देश को सहारा देने के लिए 1930 में वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद डाल दी। 1937 के करीब में 1939 आते आते हुआ हाव मूवमेंट हुइन फूसो ने शुरू कर दिया। वो लोगों को जादू करतब वगैरह दे करके अपने तरफ खींच लेता था, फ्रांसीसियों के खिलाफ कर देता था, बुद्धिज्म भी सिखाता था। तो फ्रांसीसियों ने उसे मैड बॉन्च का खिताब दे करके कैद कर लिया, और उसके साथ भी जाने वाले को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भर दिया। अब क्या था, उधर उत्तरी दिशा में जापान भी अपने इंपीरियलिज्म को बढ़ावा देने के लिए उसकी अच्छी खासी नज़र वहाँ थी। 1940 में जापान भी वियतनाम में कूद पड़े। अब दो चुनौती वियतनामीज के सामने आ गई, एक तो फ्रांसीसी थे ही, ऊपर से फिर जापानी भी आ गए। अब कम्युनिस्ट पार्टी वियतमिन पार्टी कहलाने लगी, और 1945 में हनोई से जापानियों को वियतमिन पार्टी ने भगा करके 1945 में ये एक आज़ादी हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों, ये एक आज़ादी तो हो चुकी थी, आज़ादी तो हिंदुस्तान से पहले उसे मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी फ्रांसीसियों ने अपने पपेट किंग बाओदाओ के जरिया अभी भी राज वियतनाम में चला रहे थे। और लड़ाई जारी थी, आज़ादी मिलने के बाद भी लड़ाई जारी थी फ्रांसीसियों को मुकम्मल भगाने के लिए। और लड़ाई होते होते 1954 में वियतमिन के सामने फ्रांसीसियों के सिपाहियों ने घुटने टेक दिए, और 1954 में फ्रांसीसियों को खाली करा लिया गया। लेकिन यहाँ कम्युनिस्टियों की बढ़ती ताकत को देखते हुए अमरीका
खफा था, उसे चैन नहीं मिल रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी, उसने भी 1961 में वियतनाम में खुद को दाखिल करने की प्लान ठान ली और 1961 में वो वियतनाम आ गए। पहले तो वो सपोर्ट करने की नीयत से दाखिल हुए, बाद में जब वियतनामियों ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया तो 1965 से 1972 तक B-52 प्लेन के जरिया नपाम, एजेंट ऑरेंज, फास्फोरस इस तरह के केमिकल से उस पर हमले किए, क्योंकि वो गोरिल्ला वार करते थे, जंगलों के अंदर छुप करके करते थे। तो उन्होंने, अमरीकनों ने इन जंगलों को ख़त्म करने के लिए इन तीनों केमिकल का इस्तेमाल वहाँ किया ताकि जंगल ख़त्म हो गए। जंगल तो ख़त्म हो गए, लेकिन इस जंग को टेलीविज़न पर दिखाया जाता था, इसलिए इसे टेलीविज़न वार भी कहा जाता है। यूएस मीडिया ने वियतनामीज का साथ दिया, पूरी दुनिया में अमरीकन की किरकिरी होने लगी कि निहत्ते औरतों बच्चों को इतने बड़े गोले बरसा करके मारे जा रहे हैं। इस तरह से अमरीकन को पीछे हटना पड़ा, पूरे दुनिया वियतनामियों की तरफ हमदर्दी जताने लगी और 1975 में वियतनाम एक रिपब्लिक के रूप में अपने कानून के दायरे में उभर करके सामने आ गया। इसका मतलब ये हुआ 1945 में उसे आज़ादी मिली और 1975 में वो रिपब्लिक बन करके अपने कानून के दायरे में सामने आया। दोस्तों, अगर इस चैनल की जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।